नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ओ माई क्रिसमस, थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा होगा लेकिन कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि ओ माई क्रॉन क्रिसमस पर बेहद भारी पड़ रहा है। क्रिसमस की जो रंगत है, क्रिसमस की जो रौनक है वो फीकी फीकी सी नजर आती है। तो आज देश भर में एक तरफ जहां क्रिसमस पर लोग चर्च जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन भी धीरे धीरे अपने पैर पसारना शुरू कर रहा है। एक तरफ जहां देश में क्रिसमस का माहौल बना हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं निकल सकते क्योंकि तमाम गाइडलाइंस पहले ही सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अपने परिवार और बच्चों के साथ कुछ लोग घर पर ही क्रिसमस मना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ चर्च जाकर प्रेयर कर वापस लौट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा ऐसा है कि लोगों में डर बना हुआ है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में क्या माहौल देखने को मिल रहा है ये जानना भी जरूरी है। क्या लोग पूरी तरह एहतियात के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। आगे आपको हम बताएंगे कि क्या नियम कानून है। फिलहाल आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में मनाया जा रहा है, भारत में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में पहले से ही तमाम राज्यों में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का बढ़ता साया एक बार फिर से भारत पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट जैसा ही खतरनाक है। हालांकि अब तक ओमिक्रॉन की वजह से भारत में मौत नहीं हुई है एक भी, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बहुत तेजी के साथ फैलता है। इसका जो संक्रमण दर है वो बहुत तेजी से फैलती है, इस वजह से ये चिंता का सबब बना हुआ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की विशेषकर जरूरत है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आज से उत्तर प्रदेश में क्या क्या नियम लागू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लागू होने जा रहा है। इसी वजह से फोकस करना जरूरी है कि आखिर जब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा तो क्रिसमस कैसे लोग सेलिब्रेट करेंगे। प्रशासन को 11 बजे से पहले सभी कार्यक्रम संपन्न कराने होंगे। कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चालान भी हो सकता है। शहर के बाजार भी 11 बजे तक ही खुले रहेंगे, यानी कि आपको कुछ भी खरीदना है, खाना है, पीना है तो सिर्फ 11 बजे तक। मास्क नहीं तो सामान नहीं के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, यानी कि जो लोग मास्क पहनना भूल गए थे उन्हें जागरूक करने के लिए कि मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो सामान आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप कुछ भी लेने जा रहे हैं और आपने मास्क नहीं पहना तो आपको उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। शादी और अन्य समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे, जरूरी भी है। खुले स्थान पर मैदान की क्षमता के 50% लोग इकट्ठा हो सकेंगे। स्कूल, निजी संस्थानों, बैंक, कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस और उद्योगों से जुड़े कर्मियों को दिखाने पर छूट होगी। रोडवेज और निजी बसों में कोविड नियम के तहत लोग सफर कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं बस वाले, निजी परिवहन वाले, तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रोडवेज बसेस नहीं चलेंगी। ये जो अपडेट है ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया है कि क्या कुछ आज रात से बदलाव होने जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू देख रहा है। पिछले 2 सालों से हम इसके आदि हो चुके हैं क्योंकि जो कोरोना का वेरिएंट है वो अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है जो कि 11 बजे से शुरू होगा और 5 बजे खत्म होगा। तो यानी कि अगर आप क्रिसमस मनाने के लिए निकल रहे हैं और आपने प्लानिंग की हुई है कि आप रात में सेलिब्रेट करेंगे तो सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 11 बजे सारे जो भी मार्केट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जितने भी क्लब्स हैं, पब्स हैं या फिर ऐसे गैदरिंग वाले पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। हूटरिंग पुलिस द्वारा की जाएगी, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कोई भी दुकान वाला या कोई भी उपभोक्ता ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ दुकानदारों को ये जरूर अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाना होगा कि अगर आप मास्क लगाकर आ रहे हैं तो ही आपको एंट्री मिलेगी, मास्क आपने नहीं लगाया तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। ये दुकानदारों की जिम्मेदारी है, उपभोक्ता भी जिम्मेदार रहे क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर हम जिम्मेदार रहेंगे तो फिर ये ओमिक्रॉन को हम हरा सकते हैं। मेरठ से मेरे सहयोगी मुनव्वर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे हम हालचाल जानेंगे कि मेरठ में किस तरह के हालात हैं। मुनव्वर,
मेरठ में कई चर्च है और कई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं। किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, पहले क्रिसमस पर बात करूंगी, उसके बाद ओमिक्रॉन पर बात करूंगी। देखिए, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ एक तरीके से यहाँ पर चर्च जो है काफी तादाद में है और देहात में भी चर्च है, काफी चर्चित चर्च है और उनका नाता जो अंग्रेज है उनसे भी रहा है, वो लोग भी यहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जश्न की, तो क्रिसमस का जश्न रात तक भी मनाया गया, बड़ी तादाद में लोग जो चर्च थे उनमें पहुंचे, प्रभु के बेटे यीशु का जो जन्म है उसको उत्साह के साथ मनाया गया, बड़ी तादाद में लोग रहे और चर्चों को दुल्हन की तरह सजाया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो जो चर्च के मुख्य द्वार थे वहां पर सैनिटाइजर रखे गए और सोशल डिस्टेंस बनाने की लगातार बात की गई और मास्क लगाने की भी अपील की गई, लेकिन मेरठ की जनता है कुछ धीमे सुनती है, देर से सुनती है। हालांकि अभी तक मेरठ में कोई भी ओमिक्रॉन का पेशेंट सामने नहीं आया है, जबकि बगल के जिले गाजियाबाद में 2 पेशेंट आए हैं, उत्तर प्रदेश में अभी 350 से अधिक पेशेंट आ चुके हैं। ऐसे में धीरे धीरे मेरठ के लोगों को चीजें समझ में आती हैं, मास्क नहीं दिखाई देता है, फिलहाल भी बड़ी संख्या में लोग पब्लिक प्लेस पे या फिर मार्केट्स में दिखाई देते हैं, आज की स्थिति भी यही है। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश करती है कि ऐसा ना हो। मुनव्वर, यानी जो कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन की वजह से क्रिसमस पर कहीं ना कहीं जो रंगत है वो फीकी होती हुई नजर आती है, वैसा मेरठ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मेरठ में खूब अच्छे से हर्षोल्लास के साथ लोग क्रिसमस मना रहे हैं। देखिए, रात तक तो यही स्थिति थी, लेकिन अभी हमने SSP मेरठ से संपर्क करने की कोशिश की, DM मेरठ से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि दोनों लोगों से बात नहीं हो पाई है। जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसका ही पालन कराने की यहाँ पर बात की जा रही है। आज रात का नाइट कर्फ्यू है, देखना ये होगा कि 11 बजे के बाद जो क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं वो सड़कों पर आएंगे या नहीं आएंगे। जिस तरीके से चर्चों को सजाया गया है, उन पर काफी खर्च किया गया है, माना ये जा रहा है कि उन चर्चों में रात भर प्रोग्राम करने के आयोजन करने की तैयारियां हैं। बिल्कुल, देखिए आज क्रिसमस का त्योहार है, देश भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, खासकर की मेरठ की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, 25 तारीख से 1 तारीख तक, क्योंकि नव वर्ष का भी त्योहार जो है वो पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में भारी संख्या में लोग क्लब्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, इसके अलावा जो मल्टीप्लेक्स है वहां जाते हैं, मॉल में जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, गैदरिंग करते हैं, ऐसे में बहुत भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। इस बार ओमिक्रॉन ने डरा दिया है, तो ऐसे में जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कितना हो रहा है, प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, लोग तो मास्क भूल चुके हैं, लोगों को अलर्ट करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन क्या अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है? तभी वो उम्मीद कर सकते हैं कि आम जनता भी उन जिम्मेदारियों को समझे। देखिए, मास्क और सोशल डिस्टेंस की अभी मेरठ में ना ही बात कीजिएगा तो सही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग निवास करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो राजधानी कह सकते हैं मेरठ को माना जाता है, और यहीं पर कमिश्नर बैठते हैं, यहीं पर IG बैठते हैं, ADG बैठते हैं, और तमाम जो रणनीति बनती है पूरे पश्चिम के लिए यहीं से बनती है। लेकिन अभी यहाँ इस तरह के हालात नहीं दिखाई देते हैं, सड़कों पर भीड़ है, जाम लगा रहता है 24 घंटे, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर रहते हैं, कोई भी इस बात को नहीं देख रहा है कि ओमिक्रॉन की दस्तक है। अभी उनको घर से बेवजह नहीं निकलना चाहिए, बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, चाहे क्रिसमस हो या फिर नए साल की तैयारी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो होटल्स हैं उन्होंने अभी प्लान्स बनाए हैं किस तरीके से सेलिब्रेशन कराना है, किस तरीके से पैसा कमाना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार धीरे धीरे अलर्ट हो रही है और नए साल के जश्न से पहले उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन अलर्ट होगा और इन आयोजनों पर न केवल रोक लगेगी बल्कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि लगातार जो यहाँ पर कमिश्नर है सुरेंद्र सिंह वो बैठकें कर रहे हैं, तमाम जिलों के DM SSP से जो बैठकें चल रही है, लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाह है और आज मीटिंगें चल रही हैं। देखिए, आज तो त्योहार है और जो क्रिसमस की इवनिंग होती है यानी कि 24 तारीख की रात में जो क्रिसमस ईव मनाया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो निकल चुका है, यानी कि लापरवाह है प्रशासन। इसके अलावा अगर दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू शुरू होने वाला है, नाइट कर्फ्यू से पहले सारी चीजें बंद करनी होगी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो क्लब्स हो, पब्स हो, मल्टीप्लेक्स हो, मॉल्स हो, सब बंद करने होंगे 11 बजे से पहले। ऐसे में जो इनके मालिक हैं, जो संचालक हैं,
वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि दो साल बाद अब जाकर जो फुल कैपेसिटी के साथ सारी चीजें चली थी, लेकिन अब फिर से ये 50% हो रही है, फिर से लोगों की संख्या कम होगी, चेहरे कितने मायूस। देखिए, अगर व्यापारियों की बात की जाए तो जितने भी व्यापारी नए साल के आयोजनों का जो आयोजन कराते हैं वो पिछले दो सालों से कहीं ना कहीं उनके कारोबार ठप पड़े थे, चाहे शादी मंडप रहे हो या होटल्स रहे हो, लेकिन इस बार उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नए साल पर कुछ उनका जो पीछे नुकसान हुआ है उसका बैकअप होगा, लेकिन इस बार भी ओमिक्रॉन के आने के चलते ऐसा शायद ना हो पाए। लेकिन अगर बात की जाए व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग पहले भी तैयार था कि कोरोना से लड़ेंगे और गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन बाजारों को बंद ना किया जाए, बाजारों में कोरोना गाइडलाइन को पालन कराया जाए, और इस बार भी व्यापारियों ने साफ किया हुआ है कि वो इस बार भी तैयार है, भले ही उनको नुकसान हो। लेकिन हैरत की बात तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी दौरे चल रहे हो, बड़े नेता चुनावी रैलियों में शामिल होते हो, बड़ी तादाद में गैदरिंग होती हो, कोई भी पार्टी हो इस चीज को देखने को तैयार नहीं है। इस जो भले ही प्रशासन अवेयर करता रहे, लेकिन शासन के लोगों के सामने प्रशासन की नहीं चलती है, लगातार आयोजन होते हैं। कल भी मेरठ में बड़ा आयोजन हुआ, सत्ताधारी पार्टी का आयोजन था, एक यात्रा निकाली गई जो सिवाल खास विधानसभा से होते हुए पूरे विधानसभाओं में पहुंची। इसी प्रकार प्रदेश भर में सभी पार्टियों का आयोजन चल रहे हैं, अखिलेश यादव लगे हैं, जयंत चौधरी लगे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हैं, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब देखना यही है कि ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सभी अगर आगे आएंगे, इन आयोजनों पर रोक लगाएंगे, तो शायद भविष्य में ओमिक्रॉन से लड़ा जाएगा, नहीं तो पूर्व की तरह देखा जाएगा कि पहले जब जिला पंचायत के चुनाव थे और उधर बंगाल में चुनाव थे, उस दौर में भी जो दस्तक थी कोरोना वायरस की वो हुई और बड़ी तादाद में लोगों की हानि हुई, लोगों की जानों की हानि हुई। लेकिन अगर इस बार अवेयरनेस नहीं आती है और ये राजनीतिक आयोजन नहीं रुकते हैं, तो शायद ओमिक्रॉन की दस्तक भी हो और काफी हद तक नुकसान लोगों को हो। लेकिन इससे बचने के लिए शासन और प्रशासन किस तरह की रणनीति बनाता है, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। ठीक है, ठीक है मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये हालात हैं मेरठ के, मेरठ से मेरे सहयोगी बने हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मेरठ में उतनी अलर्टनेस नहीं देखी जा रही है। अब मीटिंग हो रही है, अब चर्चा हो रही है, क्रिसमस की इवनिंग निकल गई है, अब चर्चा कर रहे हैं। आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही हो चुका है सरकार द्वारा, उसके बाद अभी भी इतने ठंडे बस्ते में चीजें क्यों चली जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन अलर्ट नहीं है तो आम जनता से कैसे उम्मीद कर सकता है प्रशासन की आम जनता खुद से मास्क लगाएगी और तमाम नियमों का पालन करेगी। आपको पहले लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, अगर आप जागरूक करेंगे तो लोग अपने आप मास्क लगाएंगे, दुकानदारों के पास जाकर आप बात करेंगे, उनको तमाम दिशा निर्देश समझाएंगे, तो वो सारे नियम कानून उपभोक्ताओं को बता पाएंगे, जो उनके कस्टमर्स आते हैं उनको बता पाएंगे। अगर आप खुद ही अलर्ट नहीं है, प्रशासन खुद ही अलर्ट नहीं है, तो फिर कैसे आम जनता को अलर्ट करने की वो सोच भी सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में जो मामले मिले थे उसमें सभी ठीक हैं। मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद का हाल हम जानेंगे, गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें हैं। जितेंद्र, आज क्रिसमस का त्योहार, गाजियाबाद में बड़े बड़े मॉल हैं, कैसी भीड़ देखने के लिए मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्रिसमस का त्योहार है और मॉलों में भीड़ मिलेगी, लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए, शाम होते होते गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा हुजूम जुड़ने वाला है, क्योंकि आज गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की एक रैली है जिसको लेकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को 11 बजे से 5 बजे तक तो नाइट कर्फ्यू है, लेकिन उससे पहले तक कोरोना या ओमिक्रॉन किसी को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर उसके बाद जो है, रात को जो व्यापारी हैं उनके लिए कह दिया गया है कि आपको 11 बजे के बाद अपना किसी भी तरह से कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना है। जितेंद्र, ये बताइए मुझे कि जो रैली होने जा रही है उसमें कितनी भीड़ जुटाने की कवायद चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर रैली की बात की जाए, कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग उसमें जुड़ सकते हैं। देखिए 10,000 लोग, जितेंद्र साफ है कि 10,000 लोग अगर किसी रैली में आ रहे हैं तो ओमिक्रॉन का खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है या कोई अन्य त्योहार होता है, 50 लोग गैदरिंग करते हैं, 100 लोग गैदरिंग करते हैं, तो फिर ओमिक्रॉन एकदम से बढ़ जाएगा, डेल्टा वेरियंट बढ़ जाएगा, ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं ना। इससे साफ है कि रैलियां होंगी, चुनावों में जनसभाएं होंगी, लेकिन आम जनता कुछ भी त्योहार अपनों के साथ नहीं मना सकता, क्योंकि आम जनता ऐसा करती है तो फिर वो ओमिक्रॉन को दावत दे रही है।
जी बिल्कुल, देखिए जनता के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है और ये इस बार नहीं है। आप याद कीजिए जब कोरोना की दूसरी लहर थी उस वक्त जिला पंचायत के चुनाव में भी यही हाल हुआ था, लेकिन उसके बाद जब संसद लगती है और वहां पर एक मंत्री काफी बड़ा चेहरा है, वो कहते हैं कि गाजियाबाद में या फिर उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, ये गैर जिम्मेदार जिस तरह के बयान आते हैं और अब जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, अब इसमें आप सत्ता पक्ष को ही ले लीजिए या फिर विपक्ष पक्ष को भी ले सकते हैं कि देखेंगे किस तरह से लगातार बड़ी से बड़ी रैलियां की जा रही हैं। लेकिन प्रशासन प्रशासन कितना अलर्ट है, प्रशासन क्या लोगों को जागरूक कर रहा है, कुछ हलचल देखने के लिए मिल रही है प्रशासन में या ठंडे बस्ते में सब हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन इस वक्त अभी जिस तरह से प्रदेश की गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से लगातार कागजी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन फोकस अगर आज की बात की जाए तो उनका आज उसका मेन फोकस है कि उनके जो सीएम यहां पर आएंगे उनमें किसी भी तरह की किसी तरह रैली में किसी तरह की रूटी ना मिल जाए, इस चीज को लेकर फिलहाल ध्यान दिया जा रहा है। जब सीएम यहां से रैली कर जाएंगे हो सकता है तब जाकर प्रशासन को याद आए कि गाजियाबाद की जनता भी है जिसको ओमिक्रॉन जैसे वायरस से बचाना है, ये तमाम चीजें तब सामने आ सकती हैं। जी जितेंद्र, जो आम जनता है क्या लोगों की बात आपसे हो पाई है, वो क्रिसमस का त्योहार कैसे मना रहे हैं, क्या ओमिक्रॉन को लेकर वो अलर्ट है, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रशासन इतने ठंडे बस्ते में चीजें रखेगा तो फिर आम जनता को खुद से ही अपनी जो सुरक्षा है वो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता इस वक्त राम भरोसे है, जिस तरह से लगातार प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है लिखित तौर पर, लेकिन जिस तरह से एक जमीनी धरातल पर जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती हैं। अब दूसरी ओर जो लोग जागरूक हैं वो अपना मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग लापरवाह हो चुके हैं उन पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो किसके भरोसे लापरवाह हैं कि अगर ओमिक्रॉन जैसे खतरा उनको होता है तो वो किस तरह से बच सकते हैं। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो ये हालात है मेरठ और गाजियाबाद के, प्रशासन सोया हुआ है अब जाकर जाग रहा है, धीरे धीरे कागजी तौर पर कार्रवाई हो रही है, नियम कानून कागज पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो है वो साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह है। लोग लापरवाह है, समझाने वाला कोई नहीं है, जागरूक करने वाला कोई नहीं है।